हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के साथ। जी हाँ, अभी मैं आपको एक फोटो दिखाने वाली हूँ, वो ये। देखा ना फ्रेंड्स इस फोटो को, कुछ याद आया? जी हाँ, जब हम लोग स्कूल कॉलेजेस में जब पढ़ाई करते थे, या फिर मुझे लगता है आप सभी ने भी इस सीड को लेकर बहुत ही मस्ती की होगी। हम लोग भी इसे तोड़कर किसी के बालों में डाल देते थे, तो बहुत सारी बदमाशियाँ की है इस सीड को लेकर। आपको भी अपना टाइम याद होगा शायद, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 90s के जितने भी किड हैं ये इस सीड से बहुत ही मस्ती करते होंगे। किन्हीं के बालों में डाल देते थे, या फिर मतलब मैंने तो किया है तो मैं बता रही हूँ। तो चलिए, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ इस सीड के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जो कि मुझे लगता है आप सभी को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सुचित्रा आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही YouTube चैनल पर, जिसका नाम है नॉलेज अनबॉक्सिंग बाय सुचित्रा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इस फल को आप सभी ने जरूर से देखा होगा। इस फल के पौधे आपको बहुत आसानी से किसी भी जंगल झाड़ में देखने को मिल जाएंगे। इसके फल को छोटा धतूरा, छोटा गोखरू, शंखाहुली, घघरा के नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है ज़ैंथियम स्ट्रूमेरियम। इस छोटे धतूरे में कांटे लगे होते हैं, जिसकी वजह से यह जानवरों के फर में लगकर या फिर उसके शरीर में लगकर या फिर इंसानों के कपड़ों से चिपक कर एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही इजली चले जाते हैं। और जैसे ही सॉइल या फिर फेवरेबल कंडीशन जैसे ही उन्हें मिलता है, तो उसके पौधे दूसरी जगह पर बहुत ही आसानी से पनप जाते हैं। क्या आप सभी को पता है कि अगर इस प्लांट या फिर इस सीड को एक लिमिट से ज़्यादा अगर कंज्यूम किया जाए, मतलब अगर खा लिया जाए, तो हमारी जान भी जा सकती है। बहुत सारे जंगली जानवरों की इस तरह से जान जा चुकी है। जी हाँ, क्योंकि इसमें बहुत ही हाई लेवल में टॉक्सिन होता है। इस पौधे की खाने की वजह से 2007 में बांग्लादेश में कम से कम 19 लोगों की जान चली गई थी और 76 लोग बीमार पड़ गए थे। बांग्लादेश में 2007 में मॉनसून फ्लड आया था, जिसकी वजह से लोगों के पास कुछ भी ना था खाने के लिए। उन्होंने इस पौधे को देखा और इस पौधे को ही अपना आहार बना लिया। उन्हें क्या पता था कि एक लिमिट से ज़्यादा इस प्लांट को अगर कंज्यूम कर लिया जाए तो उनकी मौत भी हो सकती है। अगर इसके पौधे और बीज को खा लिया जाए तो वॉमिटिंग भी हो सकता है, दिमागी हालत बिगड़ भी सकती है, अनकॉन्शियस, ये सारे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस फल के बारे में और इस पौधे के बारे में ये सारी जानकारी सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन वहीं पर इस छोटे धतूरे का इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। ऐसे बहुत सारे रिसर्च स्टडी है जहाँ पर इसका इस्तेमाल हेडेक को दूर करने में, अल्सर के ट्रीटमेंट में, अर्थराइटिस में, ये सारी चीज़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इस फल में एंटी ट्यूमर, एंटी पैरासाइट, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टेरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ पाए गए हैं। इस छोटे धतूरे में यह बात है कि यह छोटा धतूरा किसी के लिए वरदान और किसी के लिए अभिशाप भी साबित हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि इस छोटे धतूरे का इस्तेमाल कितना और कैसे किया जाता है। इस छोटे धतूरे के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि इस छोटे धतूरे के साथ सभी ने जरूर से खेला होगा। स्वेटर पर मारकर फेंकना, बालों पर मारकर फेंकना, या फिर किसी के सॉक्स पर मारकर चिपका देना, ये सारी मस्तियाँ हम सभी लोगों ने जरूर से की है। क्या आपने इस छोटे धतूरे के साथ कभी खेला है? कभी स्कूल में इसके साथ मस्ती की है अपनी फ्रेंड्स लोगों के साथ? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो अभी के लिए मैं सुचित्रा आप सभी लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।